नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के गद्दावर नेता उन्नाव से सांसद रहे अन्नू टंडन ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस रिलीज कर अन्नू टंडन ने कांग्रेस में रहते हुए 15 सालों में मिले सहयोग के लिए सोनिया गांधी का आभार जताया है। इसके अलावा इस्तीफे में प्रदेश नेतृत्व से सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाया है। चर्चा है कि अन्नू टंडन समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। 15 साल तक यूपी कांग्रेस के हाथ को मजबूत करती रही उन्नाव से कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने कांग्रेस का साथ छोड़ने का फैसला ले लिया है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अंकित परिहार ने भी इस्तीफा दे दिया है। इन लोगों के साथ साथ 50 अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्राइम न्यूज 24 से लखनऊ ब्यूरो आकाश प्रजापति की रिपोर्ट। नमस्कार। आज सुबह मैंने अपनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र भेज दिया। आपने सभी ने जो मुझे प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, इतना आशीर्वाद मिले हैं मुझे आज फोन पर, सोशल मीडिया द्वारा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सभी को व्यक्तिगत जवाब तो नहीं दे पा रही हूं, इसलिए मैंने सोचा ये छोटा सा वीडियो बना दूं। मुझे सिर्फ कुछ बातें कहनी है। पहली बात यह कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुझे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने इन 13-15 सालों में मुझे बहुत स्नेह दिया, जिसकी मैं आभारी हूं। दुख तो इस बात का होता है कि जो प्रदेश संगठन के लोग हैं, वो सोशल मीडिया के पीछे छुपकर बिना सामने आए जो अनर्गल बातें, नाजायज बातें बोल रहे हैं, वो फिजूल की बातें कर रहे हैं और सोचते हैं कि इससे संगठन बना सकते हैं। ये सोशल मीडिया के द्वारा और ब्रांडिंग द्वारा संगठन नहीं बना करते, और इनकी इन्हीं हरकतों से मैं त्रस्त आ गई थी। इसीलिए मैंने पार्टी से, एक ये भी वजह है जो मैंने त्याग पत्र दे दिया। आप में से बहुत लोगों ने एक बात और मुझसे पूछी कि आगे का भविष्य क्या है। तो भविष्य आप हैं, भविष्य आपके लिए सेवा है, भविष्य जनसेवा है। और जो भी तरीका मेरे को मिलेगा आपकी, प्रदेश के लोगों की और उन्नाव, अपने उन्नाव की सेवा करने के लिए, अपनी जन्मभूमि की सेवा करने के लिए, वो मैं करूंगी। मैं सभी शुभचिंतकों से, अपने सहयोगियों से अब विचार विमर्श कर रही हूं। कई नेताओं से, अपनी कांग्रेस पार्टी के और बाहर दूसरी पार्टियों के नेता से भी, प्रदेश के नेताओं से, बाहर के नेताओं से विचार विमर्श करके जो निर्णय लूंगी वो मैं जरूर आपको अवगत कराऊंगी। मैं किसी पद के लिए नहीं काम करती, मैं आपके स्नेह के लिए काम करती हूं, आपकी सेवा के लिए काम करती हूं। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।